रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को जब भी आप रिप्रेजेंट करते हो ना, आप कुछ भी लिखते हो या कुछ भी आप बोलते हो, तो फ्रेंड देखो पूरा का पूरा गेम क्या है, ए टू जेड, जिसमें हमारे पास टोटल लेटर्स होते हैं क्या, द नंबर ऑफ लेटर्स इज 26। ओके, टोटल हमारे पास लेटर्स कितने हैं, 26। यू नो वी हैव 26 लेटर्स इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज। देखो फ्रेंड्स पूरा गेम इसी 26 लेटर्स का ही है। हम लोग बहुत बड़ी बड़ी चीजों पर सोचते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजों को हेडक लेते हैं, ऐसा कुछ सोचना ही नहीं आपको। देखो है तो ये 26 लेटर्स। अभी देखो इंग्लिश का जो आपका कंपटीशन है ना, कंपटीशन यहीं से स्टार्ट होता है। योर इंग्लिश कंपटीशन स्टार्ट्स विद दिस टॉपिक, सो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज। सो वी कैन से हियर 26 लेटर्स इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज, एंड लेटर्स इज कॉल्ड आल्सो अल्फाबेट। यू नो दिस इज कॉल्ड अल्फाबेट, आप इसको अल्फाबेट भी बोलते हो, बट आप इसको अल्फाबेट्स नहीं बोल सकते फ्रेंड्स। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज अल्फाबेट्स मीन्स यू नो लैंग्वेजेस, अल्फाबेट्स मीन्स लैंग्वेजेस, दिस मीन्स लैंग्वेजेस। देखो मैं अगर ऐसा बोलूं, देखो अल्फाबेट मीन्स क्या होता है, लेटर्स, एंड अल्फाबेट्स मीन्स क्या होता है, लैंग्वेजेस। सपोज जब भी आप ना बोलते हो अल्फाबेट, तो अल्फाबेट वो ऑलरेडी पूरे लेटर्स को शो करता है, इसलिए जब भी लेटर, जब भी आपको अल्फाबेट का मीनिंग क्या हो, लेटर्स, देन यू कांट अप्लाई इन प्लूरल फॉर्म, इट शुड बी ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म अल्फाबेट। बट जब आप बात करते हो लैंग्वेजेस की, वहां पर आप प्लूरल फॉर्म में आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ऐसा बोलूं कि मेरा बच्चा जब 2 साल का था तो वो क्या, वो पूरे अल्फाबेट सीख गया था, यहां सेंस किससे है, लेटर से। मैं बोलूंगा माय बेबी लर्नड ऑल द अल्फाबेट एट द एज ऑफ 2, एट द एज ऑफ 2। क्या बोलोगे आप, कि मेरा बेबी जो है वो 2 साल के ही एज में, 2 साल के ही उम्र में सारा का सारा क्या लेटर सीख चुका था, वहां बोलोगे अल्फाबेट, नॉट अल्फाबेट्स। बट अगर आपको बोलना हो, देखो सेंटेंस है कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स लिव्स इन द यूएसए, मेरा फ्रेंड जो यूएसए में रहता है, एंड ही नोज अल्फाबेट्स वेरी वेल। देखो फ्रेंड्स मैं यहाँ अल्फाबेट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फ्रेंड जो यूएसए में रहता है वो लेटर्स को, एबीसीडी की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है किसकी, पूरे लैंग्वेजेस की, मींस मेनी लैंग्वेजेस। तो जहां लैंग्वेजेस की बात करोगे वहां आप यूज करते हो क्या, अल्फाबेट्स, और जहां पर आप बात करते हो किसकी, लेटर्स की, वहां पर आप यूज करते हो अल्फाबेट। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, अल्फाबेट मींस अ यूनिट ऑफ आर अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, सो दैट्स व्हाई वी कैन से हियर अल्फाबेट इज अ कलेक्टिव नाउन, दैट्स व्हाई इट कांट बी अप्लाइड इन प्लूरल फॉर्म। ओके, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी।